हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। आवर यूट्यूब चैनल आकाश वानखड़े एकेडमी AWA राठीनगर अमरावती। और बेटा, आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में लॉगरिथम का क्या रोल होता है वो आपको पता चलेगा। और उसमें दो प्रकार के वैल्यू होते हैं, एक प्रिंसिपल वैल्यू और दूसरा होता है जनरल वैल्यू। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं। तो x प्लस आई वाई का कन्वर्शन बेटा लॉगरिथम में इस फॉर्मेट में आप करोगे, कम ऑन। तो प्रिंसिपल वैल्यू में और जनरल वैल्यू में फ़र्क यह है कि ये tan इनवर्स ऑफ y बाई x है सिर्फ, लेकिन इसके साथ 2nπ ऐड हो गया है। अब आप जनरली लॉगरिथम के जो प्रॉब्लम देखोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ इट प्रूव दैट करने के लिए आता है। MCQs में आएंगे तो आप उसको ऑब्जर्व करके डिसाइड कर सकते हो। तो अगर सपोज प्रॉब्लम में ये n का टर्म दिखता है तो आप जनरल वैल्यू यूज़ करोगे, और अगर नहीं है विदाउट n है तो आप प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ करोगे। या फिर कुछ प्रॉब्लम में मेंशन होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए या जनरल वैल्यू चाहिए। चलो फिर मैं इसमें से कुछ प्रॉब्लम आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे पहला प्रॉब्लम पढ़ो बेटा, ये गिवन है और उसके भरोसे ये प्रूव दैट करना है। और आप एज ए स्टूडेंट आप कैसे समझो कि ये प्रॉब्लम लॉगरिथम का है, क्योंकि इसमें कोई मेंशन नहीं है। पहली बात तो इसमें लॉग दिख रहा है प्रूव दैट में। दूसरी बात, जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आएगा समझ लो बेटा, उस टाइम आपको लॉगरिथम की याद ज़्यादा आएगी। तो डेफिनेटली इसको देखने के बाद लॉगरिथम आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। करो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से क्या फ़ायदा होगा, अब ऑब्जर्व करो। तो ये p सामने आ जाएगा टेकिंग लॉग से, लॉग ऑफ a प्लस आई भी मिलेगा, या x प्लस आई वाई सामने आ जाएगा, या लॉग m मिलेगा, टेकिंग लॉग हो गया। अब आपके पास दो चॉइसेस है, एक प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ करो या फिर जनरल वैल्यू। तो मैं आंसर को देख कर डिसाइड करूँगा। इसमें कोई भी n का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू से सॉल्व होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू आपके आंखों के सामने है, ये लगे तो आप टोटल उठाकर यहाँ लिख लेना। अब आप बताओ ये कहाँ कहाँ यूज होगा। मुझे लगता है ये log of x plus i सिर्फ यहाँ दिख रहा होगा। तो बेटा x के जगह a है और y के जगह b है, बस उतना ही चेंज है देखो सब लोग। तो बस, तो इसमें जहाँ x होगा वहाँ a रखो और जहाँ y होगा वहाँ b रखो। ये p as it is घुमाओ। मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, 1/2 लिखता हूँ। log of x square plus y square के जगह बेटा a square plus b square आएगा, plus i tan inverse of y के जगह b आएगा और x के जगह a आएगा। ये हो गया इसके लिए log of a plus ib के लिए। और इधर ये log m मैं दोनों के साथ इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x log m आएगा plus i y log m आएगा। सोचो ऐसे होना चाहिए क्या, यहाँ तक के तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इस p को अंदर ले सकते हो और डायरेक्ट ही बेटा फिर ये p को अंदर लेने के बाद इक्वेट रियल एंड इमेजरी पार्ट बोल सकते हो, रियल एंड इमेजरी पार्ट। इक्वेट करो रियल एंड इमेजरी पार्ट क्योंकि सेपरेट हो चुके हैं। आप एक स्टेप ज़्यादा करना है, ये p को अंदर ले लेना। एक बात हमेशा याद रखना, वीडियो में मैं भले ही एक दो स्टेप स्किप करता हूँ लेकिन पेपर में आपको पूरे लिखने हैं, क्योंकि हमको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, तो आप उतना समझ सकते हो। चलो p को अंदर ले लो बेटा, तो इधर का रियल पार्ट बनेगा p बाय टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उधर से रियल पार्ट कौन है, x log m। रियल पार्ट उसको जिसके साथ i नहीं है, ठीक है, इसको इक्वेशन वन बोल देता हूँ। अब इमेजिन पार्ट देखो, ये p इस i के साथ जाएगा, तो i के साथ बोले तो I into b, तो p tan inverse of b by a, this is imaginary part, और इधर से imaginary part कौन है, y log m, इसको equation 2 बोल दो। यहाँ तक क्या अच्छा लगा, अब थोड़ा prove that को देखेंगे कि चाहिए क्या। तो prove that में बेटा y by x चाहिए, y by x बोले तो equation 2 को equation 1 से divide करोगे तो log m cancel होके y by x ही मिलेगा। So divide 2 by 1, तो बोलो इधर से y log m है,
कौन नीचे कौन आएगा, x log m आएगा इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो राइट हैंड साइड इधर भी लिखना पड़ेगा p tan इनवर्स ऑफ b बाय इधर p बाय टू log ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कम ऑन अब सोचो क्या होने वाला है, log m कैंसिल होगा, ये p और p भी कैंसिल हो जाएगा, टू ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऑल इन ऑल नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, y बाय एक्स tan इनवर्स ऑफ b बाय अपॉन, और हाँ ये जो नीचे का 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में log ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से मिलना चाहिए। सोचो सब लोग करेक्ट है क्या, एवरीवन एग्जैक्टली। अब देखो बेटा जैसे पहला पढ़ा है वैसे अब दूसरा क्लास में और यहाँ पे हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम के प्रूव दैट को अगर समझ लिए ये टॉपिक फिर आपको पूरा नीट एंड क्लीन समझ में आ रहा है। पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेता हूँ, दैट इज i रेज़ टू पावर i इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। चलो अब बोलो क्या होगा, थोड़ा सा बेटा लॉजिकली सोचो। मैं बोलता हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ i रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर i थीटा, और ये रिप्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए कि इसके जगह ऐसा भी लिख सकते हो, इसके कुछ पहले वीडियोज में मैंने क्लियर किया था। अब आप यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का सोचो, तो ये समझ लो कि यहाँ पे लिखा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो उससे क्या होगा पता है बेटा, ये आई रेज़ टू पावर आई सामने क्यों आया, क्योंकि ये जो यहाँ का आया था उसको लॉग लगाएगा तो ये ऊपर का टर्म सामने आ जाएगा, सिमिलर ओवर हियर यहाँ आई थीटा आ जाएगा साइड में लॉग ही रहेगा और लॉग ही का वैल्यू वन होता है, इसलिए आप डायरेक्ट इसको लिखोगे आई रेज़ टू पावर आई log i is equal to i theta, और इसको अब इक्वेशन वन बोल के छोड़ दो फिलहाल। अब हमारी लड़ाई ये दोनों टर्म के लिए, जरा ऑब्जर्व करो इसका आंसर बेटा थीटा इक्वल टू ये आना चाहिए, और थीटा आपको यहाँ दिख रहा होगा थीटा का वैल्यू वन है, जिसका मतलब इसके जगह कुछ रिप्लेसमेंट होने चाहिए, तो इसमें से हम एक एक टर्म लेंगे। पहले मैं इसमें से log i ले रहा हूँ, हम और बोलो बेटा log i को मैं log ऑफ 0 प्लस आई बोल सकता हूँ। अब आप यहाँ पे डेफिनेटली प्रिंसिपल या फिर जनरल वैल्यू यूज कर सकते हो, वो आपको आंसर बताएगा, और जब इसमें देख रहे हो तो इसमें n भी है m भी है, तो इसका मतलब इसमें जनरल वैल्यू सूट करेगा, तो बस अब आप इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे x की जगह 0 है और y की जगह कौन है 1, तो उसी अकॉर्डिंगली आपको सोचना है, तो प्रोसीड करो और बोलो log i इक्वल टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x बोले तो 0 है y स्क्वायर बोले तो 1 आएगा प्लस i ब्रैकेट में 2n पाए प्लस i tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y बोले तो बेटा 1 है और x बोले तो 0 है, इस प्रकार से आना चाहिए एवरीवन। अब बोलो क्या मिलेगा आपको आगे, तो बेटा log i इक्वल टू, एक छोटा सा करेक्शन है बेटा कि यहाँ पे i नहीं होना चाहिए, i बाहर ही है ऑलरेडी, ये जनरल वैल्यू को हम थोड़ा करेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये i मैंने इसको देखकर डायरेक्ट लिखा था वो नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए, तो जरा आप बराबर टारगेट करिए, और एक यहाँ पे 1/2 होना चाहिए इस प्रूव दैट में, तो आप अगर आपके नोटबुक पे लिख रहे होंगे तो ये दो छोटे करेक्शंस करना। अब देखो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, log i इक्वल टू 0 प्लस 1 1 होगा और log 1 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस i यहाँ पे 2n पाई tan इनवर्स ऑफ 1/0 बोले तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आएगा, और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बेटा हो रहा है पाई बाय 2 के लिए, और मुझे लगता है फिर यहाँ पे log i का वैल्यू क्या मिल रहा है बाबा, i 2n प्लस 1/2 और ब्रैकेट के बाहर आएगा पाई,
इस प्रकार से आपको log i का वैल्यू मिल गया। आप देखो इक्वेशन 1 में आपको log i की जरूरत थी, वो आपके पास अवेलेबल है, इसको आप इक्वेशन 2 बोल के यहाँ छोड़ दो। अब आपका टारगेट है कि ये i रेस्ट ओवर i मिलना चाहिए, और i रेस्ट ओवर i बेटा यहाँ से ही मिलेगा। मैं ये log को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो पता है इधर सिर्फ i आएगा, और इधर आएगा e रेस्ट ओवर i इन ब्रैकेट, और n मत लेना आप, m लेना, क्योंकि आपको आंसर में m भी चाहिए। कम ऑन, देखो ना सब, थोड़ा सा हिंट आपको मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ आए है सर, आपको तो आयरिश ओवर आई चाहिए, तो बेटा इसको आप आयरिश ओवर आई लिख सकते हो ना। आयरिश ओवर आई इधर करोगे तो इधर भी आई स्क्वायर आई के ऊपर आएगा, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में आएगा 2m प्लस 1 बाई 2 इंटू में पाई। नोट इन व्हाट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू है माइनस 1। सो ऑल इन ऑल आपको क्या मिल रहा है, ई रेस्ट टू पावर माइनस 2m प्लस 1 बाई 2 इंटू में आएगा पाई। तो मैं बोलता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 3। तो आप ही बताओ क्या इक्वेशन 1 में जो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी थी, आई रेस्ट ओवर आई और लॉग आई, ये दोनों वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, ये दोनों उठाकर इक्वेशन 1 में रखो, तो बोलो बेटा इक्वेशन 1 कैसे रंग लाएगा। आई थीटा को मैं इधर लिख लेता हूँ पहले, इज इक्वल टू आई रेस्ट ओवर आई का वैल्यू बताओ तो ई रेस्ट टू पावर माइनस 2m प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट के बाहर पाए इंटू लॉग आई, और वॉट इज लॉग आई, लॉग आई का वैल्यू आपके सामने है आई इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 बाई 2 इसके बाहर आएगा पाई। ये आई और ये आई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ बेटा बचा क्या है, ई रेस टू पावर आई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू में पाई इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2m प्लस 1 बाई 2 अपॉन पाई। तो जिस चीज़ का आपको इंतजार था आ गई है। जैसे बेटा मैंने सेकेंड पढ़ाया, थर्ड तो ऑलरेडी इसमें कवर हो चुका है ऐसा बोल सकते हो आप, क्योंकि बस इसमें मैंने जनरल वैल्यू लगाया लॉग आई को, आप यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू लगाना तो ये आ जाएगा। ये भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से शुरू करो, आपको डेफिनेटली आंसर मिलते जाएंगे। ये भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विल गेट द सेम आंसर्स। मैं आपको नंबर 6 लगे तो पढ़ा देता हूँ, और इसी से फिर और आगे 2-3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं। नंबर 6 को ऑब्जर्व करो बेटा, लिखा है प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, इट इज मेंशन देयर कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू यूज करना है लॉगरिथम का, और इसका आंसर रियल पार्ट का ये आना चाहिए। अब रियल पार्ट बोला है तो डेफिनेटली इसमें आपको रियल पार्ट और इमेज पार्ट सेपरेट करके बताना पड़ेगा। चलो तो शुरू कर लेते हैं। तो जो भी गिवन था बेटा उसको मैंने जेड से डिनोट किया, चेक करो, और डेफिनेटली फंक्शन रेस्ट ओवर फंक्शन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको यहाँ मिलेगा लॉग जेड, वो सामने आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस आई, वो सामने आया क्योंकि इधर के आई को हमने लॉग लगाया था। कम ऑन, तो ये हुआ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब आपको ये डिसाइड करना है कि प्रिंसिपल या जनरल, तो डेफिनेटली इसमें मेंशन है प्रिंसिपल वैल्यू, गो फॉर इट। प्रिंसिपल वैल्यू आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है, ये यूज़ करना है आप लोगों को। ये लॉग जेड एज इट इज रहने दो, x के जगह बेटा 1 है, देखो x के जगह 1 है, और y की जगह भी 1 है क्योंकि i के साथ y होता है, तो y का वैल्यू 1 है। यहाँ पे x के जगह 0 है और y की जगह 1 है। प्रोसीड करो, दोनों जगह लगाना पड़ेगा क्योंकि लॉग के साथ i का टर्म इधर भी है, लॉग के साथ i का टर्म इधर भी है, तो यहाँ पे दोनों जगह प्रिंसिपल वैल्यू सूट करेगा। कम ऑन, 1 बाई 2 लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x बोले तो 1 तो 1 का स्क्वायर 1, y स्क्वायर बोले तो भी 1, प्लस i tan इनवर्स ऑफ y बाय x बोले तो वापस 1 बाय 1। तो ये हो गया पहले लॉग ऑफ 1 प्लस i के लिए, वैसे ही इस लॉग i के लिए लगा 1 बाय 2 लॉग ऑफ x के जगह 0 है बेटा और y की जगह 1 है, मुझे लगता है लॉग आई के लिए ऐसे होना चाहिए। जैसे ऑब्जर्व करो सब लोग, इसके लिए हमने लगाया, इसके लिए भी लगाया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। यहाँ 1 बाई 2 लॉग 2 दिख रहा होगा डेफिनेटली, और यहाँ पे i इंटू पाई बाई 4 दिख रहा होगा क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाई 4। इधर 0 प्लस 1 1 है, तो log 1 का वैल्यू बेटा 0 होता है, प्लस i, और 1 बाय 0 बोले तो इन्फिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2। अब 0 प्लस
आई पाई बाई टू बने तो आई पाई बाई टू है, उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आई पाई बाई फोर लॉग टू, ये पहला टर्म। और जब इसके साथ करोगे तो आई स्क्वायर पाई बाई एट मिल रहा होगा। चेक करो सब लोग, एवरीवन। अब आप सोचो कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन। तो बेटा यहाँ मिलेगा आई पाई बाय फोर लॉग टू, और डायरेक्ट आप इसको माइनस पाई बाय एट लिख सकते हो। एवरीवन फ्रॉम द क्लास, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, कम ऑन। और ये लॉग जेड है। सर आपने यहाँ तक के सॉल्व किया, लेकिन आंसर में तो सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। और डोंट फॉरगेट, ये रियल पार्ट है। फिलहाल यहाँ पे रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, लेकिन फिर ये जेड होना चाहिए था, क्योंकि हमने शुरुआत जेड से की थी। तो आपको कुछ भी करके इसका जेड बनाना पड़ेगा, इसलिए लॉग वापस उधर ट्रांसफर कर दो, यानी इसको एंटी लॉग बोल सकते। ई रेज़ टू पावर क्या आएगा बेटा, आई पाई बाय फोर लॉग टू माइनस पाई स्क्वायर बाय एट। और इसको आप फिर ब्रेक करके लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, तो ये ऐसे आएगा ई रेज़ टू पावर आई पाई बाय फोर लॉग टू इंटू में ई रेज़ टू पावर माइनस पाई स्क्वायर बाय एट। नाउ ये दो ई के टर्म में से इस ई को देखकर ई रेज़ टू पावर आई थीटा की याद आने चाहिए, इसको आप थीटा समझिए। ई रेज़ टू पावर आई थीटा, ई रेज़ टू पावर आई थीटा को लिख सकते हो आप कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ऑल इन ऑल क्या हो जाएगा बेटा, पता है, जेड इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस पाई स्क्वायर बाय एट। ये विदाउट आई का टर्म था, इसलिए एज इट इज रहने दो। इसको ई रेज़ टू पावर आई थीटा समझो, और ई रेज़ टू पावर आई थीटा बोले तो कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ व्हाट इज थीटा, थीटा बोले तो आई के साथ का टर्म, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऑब्जर्व करो सब लोग, हमने इसके जगह ऐसा लिखा हुआ है, कम ऑन ऑब्जर्व इट। अब आप ही यहाँ पे ऑब्जर्व करो रियल पार्ट और इमेज पार्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हो इक्वेटिंग रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, तो आपको सिर्फ रियल पार्ट चाहिए ये वाला। सो देयरफॉर आप ऐसा हक से लिख सकते हो रियल पार्ट इज इक्वल टू ई का टर्म तो रियल पार्ट के साथ भी जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ भी जाएगा, लेकिन ये दो में से रियल पार्ट ये कॉस का टर्म है, क्योंकि उसके साथ कोई भी आई का टर्म नहीं है। सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर, यही आपको चाहिए था। नंबर सेवन को थोड़ा ऑब्जर्व करो बेटा, वो आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर का कॉम्प्लेक्स नंबर के, मैंने लगभग कम से कम 15 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं, ये मेहनत रंग लानी चाहिए। इसमें डायरेक्ट लिखा है प्रूव दैट जनरल वैल्यू ऑफ, उसको मैं जेड से डिवाइड कर देता हूँ, वन प्लस आई टेन अल्फा रेस टू पावर माइनस आई। और जनरल वैल्यू बोला है, इसमें एम भी दिख रहा है, डेफिनेटली ये ट्राई करना पड़ेगा आप लोगों को। और जैसी रेस्ट टू पावर ऑफ कोई टर्म है तो आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा। यहाँ लॉग जेड आएगा रे दादा, माइनस आई वन प्लस आई टेन अल्फा। अब आप ये लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करो तो एक्स का वैल्यू वन दिखेगा और वाई का वैल्यू टेन अल्फा दिखेगा। लगाओ बेटा इसको जनरल वैल्यू, तो कैसे होगा, log z is equal to ये माइनस आई वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर में तो वन स्क्वायर और वाई स्क्वायर बोले तो टेन स्क्वायर, ये इसका हो गया, प्लस आई के बाद टू एन पाई है, प्लस टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो y बोले तो टेन अल्फा ये ना यहाँ पे, और x बोले तो वन है। आप ऑब्जर्व करो, आपको इस प्रकार से इस लॉग ऑफ वन प्लस आई टेन अल्फा का जनरल वैल्यू मिला है, एक्स के जगह वन है और वाई के जगह टेन अल्फा है। हैव अ लुक। अब देखो बेटा लॉग जेड इज इक्वल टू, ये माइनस आई को अंदर लेकर जाता हूँ तो माइनस आई बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट सेक्स स्क्वायर अल्फा, कम ऑन, फंडामेंटल आइडेंटिटी। और ये माइनस आई इंटू दिस माइनस आई, माइनस आई स्क्वायर ब्रैकेट में टू एन पाई
टेन इनवर्स के साथ ये टेन कैंसिल होगा बेटा और सिर्फ यहाँ पे अल्फा बचेगा, इसलिए मैं टू एन फाई प्लस अल्फा और एक बार यहाँ एम चाहिए आंसर में, तो बेटा आप इस एम की जगह यम भी ले सकते हो, वो इंटीजर इंडिकेट करता है, एन की जगह यम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको आंसर से मिलती जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ो तो आपको कुछ हिंट जरूर मिलेंगे, ये टू सामने आ जाएगा बेटा, तो मुझे लगता है डायरेक्ट आप इसको माइनस आई लॉग ऑफ सेक अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी है कि ये टू सामने आएगा, नीचे के टू के साथ कैंसिल होगा, तो ये इस प्रकार से मिलेगा आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो आप इसको प्लस ऑफ टू एम पाई प्लस अल्फा लिख सकते हो। यहाँ तक क्या आया अच्छा लगा, लेकिन पता चला कि ये लॉग जेड है, लेकिन वादा हमने जेड के साथ किया था, तो वादा किया तो वादा निभाना पड़ेगा, वादा किसी और के साथ भाग जाओ किसी और के साथ अच्छा नहीं होता है। Z से शुरू किया, Z पे ख़त्म करो, तो ये लॉग उधर ट्रांसफर करो, उसको एंटी लॉग बोलोगे, ई रेज़ टू पावर माइनस आई लॉग ऑफ सेक अल्फा प्लस टू एम पाई प्लस अल्फा, उसके बाद आप यहाँ पे ये ई का टर्म ब्रेक करके लिख सकते हो, ई रेज़ टू पावर माइनस आई लॉग ऑफ सेक अल्फा माइनस आई आया है, तो बराबर सोचिए क्या होगा, आंसर में आपको कॉस अल्फा चाहिए और आपको वहां पे सेक अल्फा दिख रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना बेटा तो आप एक से यहाँ ज़्यादा करना है, ये माइनस इधर ऊपर ही ट्रांसफर करना है, तो सेक अल्फा का इन्वर्स हो जाएगा, और सेक अल्फा का इन्वर्स हो जाएगा तो ये माइनस निकल जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट आप कॉस अल्फा लिख सकते हो, कम ऑन, ये माइनस को ऊपर ट्रांसफर करो तो सेक अल्फा का इन्वर्स, सेक अल्फा का इन्वर्स बोले तो कॉस अल्फा, इसलिए माइनस का अगर घर पर जाके घर पर रहने वाले हो तो सोचना बहुत ज़्यादा, तो कॉस अल्फा, और इसको ब्रेक करके लिखोगे ई रेज़ टू पावर टू एम पाई प्लस अल्फा आना चाहिए। क्लियर, वापस जैसे पिछले प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि यहाँ पे आप ई रेस टू पावर आई थीटा जैसे ट्रीट कर सकते हो ना बाबा, तो ये ई रेस टू पावर टू एम पाई प्लस अल्फा को पहले लिख लो, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा समझो, तो थीटा की जगह बेटा लॉग ऑफ कॉस अल्फा आएगा, तो हो गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और शायद आपको यही आंसर चाहिए था। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस होल यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एटलीस्ट 15 वीडियोस ऑन दिस सेम टॉपिक, तो ये जो इंजीनियरिंग के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 12th JEE के स्टूडेंट को पढ़ना ही है। दूसरी बात, पॉलिटेक्निक वालों को इसमें से कुछ वीडियोस पढ़ने हैं जिसमें मैंने टाइटल या डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा फॉर पॉलिटेक्निक, वो आप उतने ही फॉलो करना पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने इंजीनियरिंग लिखा है वो इंजीनियरिंग वाले फॉलो करेंगे, और 11th साइंस के लिए भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो जहाँ पे मैंने 11th साइंस मेंशन किया वो 11th साइंस वाले करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तीनों क्लास को रहेगा, 11th साइंस को भी है बेटा, जो थोड़ा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर है एडवांस वाला नहीं है, पॉलिटेक्निक वालों को भी मॉडरेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी 11th से थोड़ा ज़्यादा और इंजीनियरिंग से थोड़ा कम, और इंजीनियरिंग वालों को तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, सी यू इन अ क्लास वेरी सून, क्योंकि यहाँ मैंने चार पढ़ाए तो क्लास में 40 हो जाएंगे और इससे ज़्यादा, और डेफिनेटली आप मज़ा इस प्रॉब्लम्स के साथ ले सकते हो, समझ सकते हो, आप बाकी आपके फ्रेंड्स को कन्वे करो, AEE में एडमिशन शुरू है। Don't forget to like, subscribe and share this YouTube channel and videos. Press the bell icon button for notification. Thank you.